Assalamualaikum brothers and sisters, आज हम दूसरा एपिसोड कर रहे हैं, अभी सेम डे पे ही कर रहे हैं, लेकिन आज अभी हम डिस्कस करने लगे हैं फेमिनिज्म और मैस्कुलिनिटी। ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ठीक है। स्पेशली फेमिनिज्म जो है आजकल काफी, जो हमारी इवन जो प्रैक्टिसिंग सिस्टर्स हैं फेमिनिज्म से इंफ्लुएंस हो रही हैं। वुमेन जनरली आर बीइंग इंफ्लुएंस्ड बाय फेमिनिज्म, ठीक है, मुस्लिम वुमेन। और जो मेल्स की तरफ से देखें, जो मैस्कुलिनिटी है वो उसका डेफिनेशन करेंगे, ठीक है ना, उसका मतलब क्या है, व्हाट इज मैस्कुलिनिटी मीन फ्रॉम एन इस्लामिक पर्सपेक्टिव। लेकिन वो हम देख रहे हैं कि जो हमारे ब्रदर्स हैं, जनरली स्पीकिंग यूनिवर्सिटी कैंपस में, यूके में देखा है, पाकिस्तान में भी, ऑनलाइन में जो बैठे हैं, हाँ, बहुत डिफ्लेटेड लग रहे हैं, ठीक है ना, मतलब बहुत कम एक्टिविटी कर रहे हैं, बहुत कम सिस्टर्स माशाल्लाह सब ऑर्गेनाइज करती हैं, जो जो एक मर्द की फितरत नहीं है। एग्जैक्टली, हमें ये बनाना है, ये पीछे छोड़ के जाना है, ठीक है ना, बिग विजन ये नहीं हम देख रहे। चलो लेट्स स्टार्ट विद फेमिनिज्म, फेमिनिज्म से शुरू करते हैं, ठीक है। फेमिनिज्म को जो आइडिया मैं रफली डिफाइन कर दूं, ठीक है ना, काफी उसके डिफरेंट फिलोसफर्स हैं फेमिनिज्म के, उन्होंने बहुत सारे डेफिनेशंस दिए हैं, लेकिन जो जनरल है ना, जो जनरल ओवरव्यू आज सामने आता है वो ये है कि मर्द और औरत को इक्वल होना चाहिए, मतलब कि हर चीज उनको बराबर करनी चाहिए, अपॉर्चुनिटीज बराबर होनी चाहिए, आउटकम्स बराबर होने चाहिए, ठीक है ना। और एक तरीके से जो मर्द है ना, औरत के लिए एक गोल्ड स्टैंडर्ड बन गया, और ये दिस इज अ प्रॉब्लम इन एंड ऑफ इटसेल्फ, ठीक है, उसको भी डिस्कस करते हैं। और उसकी आप ऑब्वियसली फेमिनिज्म की हिस्ट्री काफी लंबी है, आप यू नो ज्यूरिंग द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो हुआ था वेस्ट में, उसके साथ ये शुरू हुआ था आहिस्ते आहिस्ते, लेकिन अभी जाने की उसमें डिटेल में जरूरत नहीं है। लेकिन जो जो इश्यू है हमारे सामने कि मुसलमान औरतें, ठीक है, हमारी सिस्टर्स जो हैं वो फेमिनिज्म से इन्फ्लुएंस हो रही हैं, जबकि हमारे दीन में जो उनको जो दीन है, इस्लाम का दीन जो एक औरत को, मर्द को और औरत को दर्जा दिया गया, एक हाँ, तो ये क्या हो रहा है, ये ऐसे क्यों हो रहा है? पहले इमरान, मैं एक चीज कहूंगा कि एंड ये आई थिंक जरूरी है, क्योंकि मुझे मेरा ख्याल है कमेंट्स में ये आ सकता है क्वेश्चन, और लोग ये भी सोचेंगे, स्पेशली जो देख रही है कि, और ये मैं अपीस के लिए कह रहा है, ये मैं सिस्टर्स को यू नो ओ लुक व्हाई यू नो इन फादर नाइट, आई एम नॉट फ्रॉम योर नाइट हियर, लेकिन एक है कि स्पेशली पाकिस्तान इंडिया में औरतों पर जुल्म हो रहा है, absolutely. ये हम डिनाई नहीं कर सकते, ये वाकई हो रहा है, दुनिया में हो रहा है, पूरी दुनिया में हो रहा है, आई मीन डोमेस्टिक वायलेंस यहाँ पे भी, यूके में भी बहुत बड़ा, एक 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 कुछ 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 इलाकों में जहाँ मैं ये नाम ही लूंगा, जहाँ पर मर्द बिकॉज, और ये बाय द वे इस्लामिक नहीं है, ये मर्द अपनी जाहिलियत है और ये अपनी ईगो है या अपना जो भी है, मतलब ये इस्लाम से नहीं है, ये ऐसे भी लोग होंगे, ऐसे भी ब्रदर्स हैं, दाढ़ी है, टोपी है, नमाज पढ़ते हैं, yes. लेकिन वो औरतों पर जुल्म करते हैं, और ये मैं ये डेफिनेटली कहूंगा, खुलेआम कहूंगा, मतलब देयर इज नो, इसमें डिनाई नहीं रही, yes. क्या हो रहा है, हमारा रिएक्शन क्या है, रिएक्शन इज ऑल अबाउट रिएक्शन, कि जुल्म हो रहा है, और मैं मान रहा हूं, हम मानते हैं सिस्टर्स पर मुसलमान जुल्म हो रहा है, स्पेशली रिसेंटली रेप्स हो रहे हैं, काफी स्टोरीज आ रही है इस्लामाबाद में, नॉट जस्ट रूल, ये जाहिलियत है, जाहिलियत, ठीक है ना, इट्स नॉट इस्लाम, दिस इज जाहिलिया, दिस इज डिस्गस्टिंग, ठीक है, ये goes against the tenets of Islam, इस्लाम के खिलाफ जाती है ये बात, ये हमें डिफॉल्ट बनाना है, लेकिन मसला ये है क्योंकि कल्चर और इस्लाम इतना मिक्स हुआ हुआ है हमारे कंट्रीज में, ठीक है ना, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, इंडिया में, कि जो आम इंसान है उसको पता नहीं चलता कि इस्लाम कहाँ पे शुरू होता है और ये कल्चर कहाँ पे खत्म होता है, ठीक है, कल्चर है मसला, और दूसरा क्या है, जब सिस्टर्स फॉर एग्जांपल आप एक सोशल मीडिया ना, एक तरफ से जादू है, मैजिक है, सोशल मीडिया दिखा रहे तो बंदे को ना एक गुस्सा आ जाता है कि यार ये देखो जुल्म, आपने ना पढ़ा है, एक छोटी सी चीज पैराग्राफ और पिक्चर होगा तो आपने ये क्या जुल्म हो गया, फिर आप अपना इस्लाम को क्वेश्चन करेंगे, तो एक तो है आप कल्चर का जाहिलियत है, दूसरा गुस्से पर थोड़ा काबू करें, थोड़ा सा कूल हों, और जरा पूरी चीज को ना, सिचुएशन को, न्यूज हो, जो भी जुल्म हो उसको, और जो फेमिनिज्म हो उसको थोड़ा ऑब्जेक्टिव देखें, राइट, आई थिंक मेरा ये ख्याल है, मैं थोड़ा सा बोल्ड बनूंगा, थोड़ा सा बोल्ड हो रहा हूँ, राइट, बोल्ड ये है कि काफी सिस्टर, क्योंकि हम आप कह रहे हैं हम सिस्टर्स को खिताब कर रहे हैं, राइट, आई थिंक ब्रदर्स, दिस इज ब्रदर्स, हाँ, लेकिन जो सिस्टर्स स्पेशली जो फेमिनिज्म का झंडा उतारना चाहिए या जो लीन करे टुवर्ड्स फेमिनिज्म, आप फेमिनिज्म को जरा ऑब्जेक्टिव से पढ़े तो सही है क्या, क्योंकि आप समझ, एक तो है ना कि अच्छा मैं अपने हकूक की लड़ी हूँ, विच इज नफिन होता और इस्लाम देता है, आप ये कहना कि मैं इस्लाम अपने हकूक लड़ी हूँ और अल्लाह सुब्हान तआला के हेल्प से और इस्लाम की मैं स्टडी कर रही हूँ, मेरे क्या हकूक हैं, आप ये करें, आप इसको फेमिनिज्म का गार्ड क्यों दे रहे हैं, आप फेमिनिज्म क्यों, क्योंकि जब आप फेमिनिज्म कहेंगे
तो दिस बहुत ही खतरनाक रास्ते पे जा रहे हैं क्योंकि ये फैमिलीज इनके बहुत बड़ी लंबी बैगेज है. अगर आप देखें लोग इनका सवाल मतलब एक पॉइंट है मैं इसमें डालता हूँ शायद थोड़ा मिक्स हो जाएगा कि जब फॉर एग्जांपल एमिली पैंकहर्स्ट है जो ब्रिटिश फेमिनिस्ट है फेमस राइट वो क्या करते थे अपने जो ना जो रेलिंग्स हैं उस पर अपना जंजीर लगा के फिक्स करते वो उसके जो सपोर्टर्स कि हमें वोट दो. और ये पता कि ये सुभानअल्लाह 100 साल से पहले यूके में द यूके ग्रेट ब्रिटेन में ये औरतें अपने हकूक है कि हमें वोट दो. एंड आई थिंक इन सम सर्कमस्टांसेस कुछ अरसे में अगर उस पहले जाए आई थिंक लास्ट सेंचुरी में जो गवर्नमेंट है आई एम नॉट श्योर व्हिच कंट्री आई एम नॉट गोना मेक इट अप लेकिन यूरोपियन गवर्नमेंट वो डिस्कस कि वुमेन आर दे जानवर या इंसान. यार ये मैंने लास्ट में इंग्लिश में वीडियो बनाई थी लास्ट वीक. ये रीसेंट बात है जो हिस्ट्री है ना जो 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 जहां से फेमिनिज्म की पैदाइश हुई है ठीक है अगर सोचे तो जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में जो जुल्म औरत पे हुए हैं ना और बच्चों पे भी ठीक है ना मतलब स्लेव लेबर चाइल्ड लेबर ऑल ऑफ दिस औरतों को पैसे नहीं थे ज्यादा देते उनके रेप होते थे काम वर्क प्लेस वो जरूरी था वो औरतों का जरूरी था एग्जैक्टली. और जैसे मैंने कहा फिलोसॉफिकली उससे पहले भी फिलोसॉफिकल थॉट में थियोलॉजिकल थॉट में वेस्ट में ये आइडिया था कि ये डिस्कस कर रहे थे कि यार औरत की रूह है भी कि नहीं है और अगर है तो जानवर की रूह यूरोप में जानवर की रूह है इंसान की रूह है ये यूरोप में डिस्कशन हो रहा था कुछ 100 साल पहले ठीक है. इस्लाम में 1400 साल पहले अल्लाह सुभान व तआला ने साफ साफ हमें बताया कि औरत और मर्द इक्वल है स्पिरिचुअलिटी में इक्वल है अल्लाह के सामने ठीक है. औरत अच्छे काम करेगी उसको उसका अजर मिलेगा आदमी अच्छा काम करेगा उसको उसका अजर मिलेगा. हर औरत को हुकूक दिए गए फाइनेंशियल इकोनॉमिक एग्जैक्टली इनहेरिटेंस सब और उसको भी स्टडी करें ना. कोई कोई लोग कहते हैं यार जो औरत की इनहेरिटेंस है थोड़ी कम है अगर इस्लामिक सिस्टम के अंदर फ्रेमवर्क के अंदर उसको देखे ना then the woman gets more subhanallah she's yes. better off than the man the woman uska right a husband ke wealth par and exactly. husband doesn't have the you right have, lekin I mean, context mein dekhni chahiye aap cherry pick nahi kar sakte ye ayat lene ye ruling lene pure islamic context mein agar dekhe na ye system ke andar to the woman is if anything this you can't say injustice but the woman is better off financially yes right? agar dekhe objectively in one way lekin masla ye 1400 saal pehle औरत अपना खुद का बिजनेस कर सकती है उसके जो बिजनेस में पैसे होंगे उसके अपने पैसे हैं उसको आदमी उसके हस्बैंड को नहीं देने हस्बैंड का उसके 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 हस्बैंड की सैलरी के ऊपर उसका हक ठीक है. कितनी चीजें हैं ठीक है ना. और दूसरी ने थोड़ा सा बताया और दूसरी चीज भाई निधि भाई ये भी देखें ठीक है ना. अल्लाह की नजर में मर्द और औरत स्पिरिचुअली इक्वल है ठीक है लेकिन इस्लाम साफ साफ बताता है कि मर्द और औरत डिफरेंट है. अच्छा मैं यहाँ पे एक चीज बताता हूँ जल्दी से मैं आपके बोलने से पहले सॉरी मैं आपको माशाल्लाह. और एक चीज आप नोटिस करें डिफरेंस बताया अल्लाह ने डिफरेंस वो हमें नजर भी आता है बायोलॉजिकली फिजिकली डिफरेंस है ठीक है लेकिन डिफरेंस का ये मतलब नहीं कि एक दूसरे से बेहतर है. It doesn't logically follow. ये competition ही चल रही है. नहीं, it's like rivalry. यार rivalry competition. ये तो ऐसे जैसे आप कुर्सी को संतरे के साथ compare करें, ठीक है? दोनों के अपने benefits हैं, दोनों अपनी जगह पे अच्छे हैं, लेकिन different है, ठीक है? Analogy perfect नहीं, लेकिन लोग समझ जाएंगे मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है ना? Different है, मर्द और औरत different है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं एक दूसरे से बेहतर है. पहली चीज. दूसरी चीज अगर डिफरेंस अल्लाह ने बताया है और अल्लाह सुभान व तआला बता रहे हैं कोई दूसरा इंसान नहीं बता रहा ट्रांसेंडेंट ऑब्जेक्टिव जिसको सब पता है सब जानने वाला है जो वो बता रहा है कि डिफरेंट है और उनके लिए अल्लाह ने केटर किया है उनकी नीड्स के लिए उनकी स्किल्स के हिसाब से केटर किया है. और जब मर्द और औरत साथ में सोसाइटी में काम करते हैं फैमिली स्ट्रक्चर में देख लें तब सोसाइटी प्रॉस्पर करती है. एग्जैक्ट ठीक है लेकिन आज हम वेस्ट में जो फैमिली स्ट्रक्चर है जो सोसाइटी उसका ब्रेकडाउन क्यों हो रहा है डिग्रेड क्यों हो रही है ये दिस इज वन ऑफ द रीजंस मेन एंड वुमेन हैव ब्लर्ड द लाइंस ठीक है एब्सोल्युटली एंड दे ट्राई टू जस्ट वो जस्टिफाई करें और तरीकों से ठीक है ना. और ये जो मसला अच्छा आप मैं आपकी तरफ आता हूं अभी ये मुझे और थोड़ा सा बताएं ठीक है ना. ये जो फेमिनिज्म में अभी इंटरेस्ट है अभी हम देख रहे हैं थोड़ा सा हमने टच किया है इस्लाम क्या राइट्स देती है औरत को और मर्द को तो फिर ये क्यों है क्यों इंटरेस्ट इतना फेमिनिज्म की तरफ है. मैं ये भी इसका भी जवाब दूंगा इंशाल्लाह. इससे पहले थोड़ा सा आप जो कह रहे थे बड़ी अपनी अच्छी पॉइंट की है कि जो शरीयत का लोग जब शरीयत देखते हैं राइट शरीयत लोग अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ मीडिया बायस बिकॉज ऑफ ओरिएंटलिज्म बिकॉज ऑफ आई गेस इग्नोरेंस राइट यू कैन पुट एवरीथिंग इन जाहिलिया
इसकी वजह से क्या हो रहा है कि लोग समझ शरीयत सिर्फ पनिशमेंट के लिए और लॉज है. शरीयत का एक मकसद है कि दुनिया उस सोसाइटी नाम ही है ताकि सोसाइटी सही चले. सो वहां शरीयत का अगर हम सही करें ना, अगर सही इसको देख के इम्प्लीमेंट करें इंशाल्लाह एक दिन जब लोग जब देखेंगे इंशाल्लाह, इवन जो बंदा मुखलिस है और शरीयत देखेगा वो तो कहेगा यार ये सिस्टम, ये जो शरीयत है ये दुनिया के लिए बेहतर है, ये सिस्टम ये दुनिया को चलाने के लिए बेहतर है. किसने कहा, अगर आप स्टडी करें अगर मर्द मतलब आई डोंट नो कौन कह रहा है कि ये कंपटीशन कौन ला रहा है, कौन चला रहा है, ये कंपटीशन नहीं चल रहा. दोनों मर्द औरत को अपना अपना जगह अपना रोल सही करें तो दुनिया सही चलेगी. ये हम ये नहीं कह के मर्द ऊपर हैंड है, हमने कहे वुमन एग्जैक्टली इक्वल होना चाहिए. exactly. लेकिन इक्वल इक्वालिटी कौन डिफाइन करेगा? अल्लाह सुब्हान. और ये यहाँ पे दूसरा पॉइंट आता है कि यार एक अंडरलाइंग असम्पशन जो है ना फेमिनिज्म का, कि लोग सोचते भी सबकॉन्शियस सोचते भी नहीं है लोग कि इस इसके दरमियान क्या हो रहा है कि मर्द जो है ना वो गोल्ड स्टैंडर्ड बन रहा है औरत के लिए. कि वी हैव टू बी द मैन इज द गोल्ड स्टैंडर्ड. लेकिन क्यों मर्द को क्यों आप उनको आगे अल्लाह सुभान व तआला ने इस्लाम में हमें इतनी अमेजिंग क्या कहते हैं रोल मॉडल्स हमारे सिस्टर्स को औरतों को दी हुई है इस्लाम में. मिसाल मिसाल आप बताएं, थोड़ी सी एग्जांपल्स बताएं. सुभानअल्लाह, यू नो हम फॉर एग्जांपल व्हाट कम्स टू माइंड इज आसिया अलैहिस्सलाम द वाइफ ऑफ फिरौन. यू नो इतना सबसे दुनिया का सबसे बड़ा जालिम अल्लाह सुभानअल्लाह मतलब मेड हिम वन ऑफ द वर्स्ट ऑफ क्रीचर्स एंड शी ही वाज एंड द हर पायटी हर स्ट्रेंथ हर डिसिप्लिन टू उस घर में रहने के लिए एक सबसे बड़ा जालिम कैसा कितना सब्र चाहिए, कितना आपको डिसिप्लिन चाहिए, फिर भी अल्लाह की इबादत करना, फिर भी यू नो सो तौहीद रखना. फिर वी हैव आयशा सुभानअल्लाह रज़ी अन्हो, यू नो द स्कॉलर ऑफ वन ऑफ द फर्स्ट हमारे दीन में सबसे पहले उलमा से कहने जाते, बल्कि दूसरे सहाबी उनसे भी ताबीन उनसे सीखते थे, नॉलेज सीखते थे सुभानअल्लाह. तो वो तो और कितने हदीस, आई थिंक टॉप फाइव टॉप डेफिनेटली टॉप टेन में से बिगेस्ट हदीस नरेटर में से थे सुभानअल्लाह आयशा, राइट? दिस हम इन सब का नॉलेज देते हैं. खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा द फर्स्ट वाइफ द स्ट्रेंथ, अगर आप स्टडी करें जो सीरत पढ़ी है तो प्रोसेस जो फर्स्ट फ्यू ईयर्स सबसे मुश्किल थे, मतलब एकदम एक रेवलेशन आना, फिर इस मैसेज को पहचाना, यू नो फिर जो जुल्म किया था कुरैश ने संभाला इस पर. इस वक्त आपको ऐसा सपोर्ट चाहिए जो आपको स्ट्रेंथ दे, आपको मतलब हेल्प करे. एंड सुभानअल्लाह एक औरत थी खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा, शी ये सपोर्ट थी. एंड ऑफकोर्स उनका तो सुभानअल्लाह अपना बिजनेस भी था, वो तो अलग एक स्टोरी है. लेकिन जो उन्हें स्ट्रेंथ थी सुभानअल्लाह उससे उनके पास जाते, स्पेशली फर्स्ट व्यू आया जब नाजर हुई थी वो उनके पास जाते, खदीजा उनको कह रहे थे नहीं आप अमीन हो, आप सच हो, आप तो सही हो सुभानअल्लाह. ये बहुत जरूरी था अर्ली स्टेज यहाँ से मरियम अलैहिस्सलाम का सुभानअल्लाह लेने, ठीक है ना. देयर सो मेनी, अल्लाह सुभान तआला ने एक औरत को चुना था अपनी इबादत के लिए, ठीक है. That just shows what is the potential of a woman's spirituality. ठीक है ना, हम ये सोचते नहीं है. इस्लाम हमें बताता है examples के through बताता है, role models के through बताता है कि औरत में क्या potentials है. लेकिन जो 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 non जो secular world है ना वो ये चीज पहचान ही नहीं सकते, नहीं जाएंगे नहीं. No, they won't. और इसीलिए उनके उनके पास और कुछ नहीं होता, बस एक दूसरे के साथ टक्कर लगाते रहते हैं मर्द और औरत. यार हमें ये हमें narrow minded कहते हैं. आप ओपन माइंडेड बने, ठीक है. आपने आप मसला हो रहा है, राइट? औरतों मसला हो रहा है वर्क प्लेस में, घर में, सोसाइटी में हो रहा है, ठीक है. तो आप क्यों एक ही जगह देख रहे हैं? अगर आप एक्सप्लोर करें कुरान क्या कहता है वुमेन के हुकूक में, हदीस कॉर्पस क्या कहता है इसके बारे में, इधर भी आए ना. अगर आप क्लोज माइंडेड बनिए, ये कॉमर्स आता है बाद में. आप क्लोज माइंडेड हो, आप सिर्फ ये फॉलो करते हैं, नहीं. अगर आप क्लोज माइंडेड हैं तो आप भी कुरान में भी आए ना. आपके क्या डर है, आपके किस चीज का डर है आपको? कि शायद मैं मुसलमान बन जाऊं. अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम ने मर्द और औरत दोनों को इतना ऑनर दिया है, ठीक है ना. कि देखें पहली चीज फंडामेंटली तो ये पहचाना है कि यार इंसान जो है वो बस एक बायोलॉजिकल क्रीचर नहीं है, जानवर नहीं है, ठीक है ना. इंसान है, अल्लाह ने बनाई मखलूक जिसमें इतनी स्पेशल क्वालिटीज हैं, ठीक है ना. जिसने अल्लाह कहता है कि उसको वाइसरेंट बनाया दुनिया, खलीफा बनाया, ठीक है ना. तो ये मर्द और औरत दोनों का ये जो लेवल अल्लाह ने दिया ना, फंडामेंटली डिफाइन किया ओरिजिन इंसानियत के, ह्यूमैनिटी के. दिस इन इटसेल्फ इज समथिंग वी शुड बी सो ग्रेटफुल फॉर, ठीक है ना. अल्लाह का शुक्र करना चाहिए. दूसरी, क्योंकि उसके अलावा सेक्युलर पर्सपेक्टिव से देख लें, आज भी देख लें इंसान की क्या डेफिनेशन है. A highly involved creature, animal, जानवर है बस. यहाँ सर मैटर है और लंप मैटर है, और फंडामेंटल जाएंगे तो ऐसे. हाँ एग्जैक्टली. तो आप ब्रदर्स एंड सिस्टर्स आप देखें कि अल्लाह सुभान व तआला
what does Allah tell you about your gender? Yes. ठीक है ना? And how He honors you through it. ये देखना बहुत जरूरी है इंशाल्लाह. मैस्कुलिनिटी के लिए तो आज अभी टाइम नहीं है उस टॉपिक का. नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इंशाल्लाह उसको डिस्कस. आखिरी चीज कहेंगे. हाँ प्लीज, मैं आपको कहने लगा. आप ये सोच रहे हैं, अगेन सिस्टर्स देख रहे होंगे, कॉमेंट करेंगे, आप फेमिनिज्म बात कर, आप दो मर्द फेमिनिज्म बात कर रहे हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारा कोई ईगो नहीं है. हम दिल से इखलास से इंशाल्लाह हम नसीहत देना चाहते हैं. ये हमारा कोई, हम ये पावर ही दिखा रहे हैं कि लोग, मैं इमरान, हम कोई स्पेशल है. ऑफकोर्स ना, हमें पता हमारी लिमिटेशंस क्या है. हम एक नसीहत के तौर पर कर रहे हैं कि आप हमें बिल्कुल मतलब आराम से सुने. दूसरा, आप मर्द की नहीं सुने, आप औरतों की नहीं सुने, आप मुसलमान ऑथर्स जो मुस्लिम राइटर्स या स्पीकर उनकी नहीं सुने, आप फीमेल एकेडमिक्स फ्रॉम यूके यूएस उनकी सुने, आप क्रिएटर की बात सुने. क्रिएटर क्या कह रहा है, क्रिएटर आपको क्या हक दिए और कहाँ हक दिए, आप वो स्टडी करें. आप रिसर्च करें ना कि ये मसला है औरतों पे हो रहा है, आप ये सीखें. क्योंकि हम सोचते हैं कि लोग ये मुसलमान बता रहे हैं. लेकिन जो सही प्रॉब्लम है ना, जो जुल्म हो रहे हैं औरतों के ऊपर, स्पेशली पाकिस्तान जगह में, बहुत इंडिया में, दिस इज अ सिकनेस. जो मर्द ये करते हैं ना, दे आर नॉट मेन. Yes, they are not men. We don't. हमें परवाह नहीं अगर आप नमाज पढ़ते हैं, मस्जिद जाते हैं, किसी से बड़ी दाढ़ी है. जाहिलियत है. You need to fix up as well. If your brothers that ever think of lifting a hand and really torturing and beating women like this, I mean it's a sickness. You need to fix up. उनको अपना इस्लाह करने की बहुत ज़रूरत है. बहुत सब ज़रूरी है. बहुत सब ज़रूरी है. तो anyway, last words. बस यही था कि जैसे आप कह रहे हैं कि again वही पुरानी बात आती है. Islam is beautiful. Islam is perfect. Islam इतना perfect है, सुभानअल्लाह. आपको आप हर एक जी जहाँ जिस रुख से देखें इस्लाम को, राइट्स के तौर पर, हकूक के तौर पर, लॉज के तौर पर, वे ऑफ लाइफ के तौर पर, जहाँ भी देखेंगे आप, यू कॉन्ट हेल्प बट से सुभान अल्लाह, दिस इज लाइक, दिस मेक सेंस. तो आप इस्लाम को देखें. इस्लाम इज़ परफेक्ट. अल्लाह सुब्हान अल्लाह इज़ परफेक्ट. अल्लाह ने जो बताया, उनकी जो मैसेज है, कम्युनिकेशन और राइट्स इज़ परफेक्ट, क्योंकि ही नोज़ बेटर देन अस. लेकिन मुस्लिम आर नॉट परफेक्ट. आप मुसलमान को एग्जांपल क्या होता है, लोग जो है ना, जो फेमिनिस्ट का राइट्स मांग रहे हैं, फेमिनिज्म, इस्लामिक फेमिनिज्म जो भी है, वो समझिए कि मुसलमानों को देखे जो जाहिल कि ये इस्लाम है. नो, इस्लाम इज जो रिवील्ड है, इस्लाम इज जो रिवील्ड है, और अनफॉर्चुनेटली प्रैक्टिस नहीं हो रहा सही. वो हमारी अपनी कोताहियाँ, हमारी गलतियाँ, हमारी कमजोरी हैं. तो आप वो नहीं देखें. आप अगेन जस्ट रिपीट द पॉइंट, हैव अ लुक कि खुदा आप जिसने आपको बनाया है, जो आपको बेहतर जानता है, जो हमें बेहतर जानता है, जो हमारे दिलों को, जो अंदर के राज को जानता है, जो सोसाइटी को जानता है, जो जानता है आगे क्या आएगा, पीछे क्या हुआ है, सुभान अल्लाह सुब्हान अल्लाह, वो जानते हैं कि कैसे सोसाइटी कैसे चलेगी, जुल्म को कैसे रोकें, और आपके जो हकूक है कैसे दें. इंशाल्लाह अल्लाह सुब्हान अल्लाह.